नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मृदुल चुंदेल। भारत मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि आज तमिलनाडु, पौंडेचेरी, आंध्र प्रदेश, रायसीमा और कर्नाटक में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा और राजस्थान में भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर तमिलनाडु, पौंडेचेरी, कराईकल और रायसीमा के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, जबकि अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे में दबाव के कम होने की संभावना है। आईएमडी ने बताया कि आज अरब सागर के पूर्वी मध्य और मध्य क्षेत्र में स्थिति खराब होने की संभावना है। ऐसे में मछुआरों के इन क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। बीते कुछ दिनों से तमिलनाडु में भारी बारिश का दौर जारी है। इस दौरान सबसे ज़्यादा खराब स्थिति राजधानी चेन्नई में खराब हुई थी। इसके अलावा मौसम विभाग का अनुमान है कि गोवा, कोकान, उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल में भी अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा और पूर्वी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने और हल्की बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 18 नवंबर को पूर्व अनुमान जताया था कि अगले 2-3 दिन तक दिल्ली में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और हल्की धुंध बनी रह सकती है। आईएमडी के अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में दिन और रात में ठंड बढ़ने की संभावना है। 19 नवंबर को आसमान में बादल दिखे और धुंध बनी रही, आज भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। आपको बता दें, 19 नवंबर को राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जबकि अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और कोटा, जयपुर, उदयपुर संभाग के कई जिलों में कहीं कहीं हल्की और मध्य दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कडप्पा जिले में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण हुई भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हैं। पुलिस ने बताया कि जिले के राजमपट्टा डिवीजन के नंदलूरु, मंडवली और अक्कापुड़ा गांव में बाढ़ के पानी में पीएसआरटीसी की 3 बसें फंस गईं। चेहराऊ जलाशय के टूटने के कारण बाढ़ का पानी सड़कों पर भर गया था, जिससे ये बसें डूब गईं। तमिलनाडु और केरल में भी भारी बारिश से लोगों का जीवन मुश्किल में पड़ गया है। कहीं घर गिरने से लोगों की मौत हो रही है तो सबरीमाला मंदिर भी एक दिन के लिए बंद कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के खराब हालात को देखते हुए पीएम मोदी ने सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी से बात की है। बता दें कि बस में सवार कुछ यात्री बाढ़ के पानी में बह गए। गुडुलूरु गांव में 7 शव निकाले गए, रायसवरम गांव में 3 शव निकाले गए और मंदमपल्ले गांव में 2 शव निकाले गए। अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वो बस के यात्रियों के शव हैं या आसपास के ग्रामीणों के। दमकल कर्मियों ने अन्य 2 बसों के यात्रियों को बचा लिया। पुलिस ने बताया कि मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि कुछ अन्य अभी भी लापता हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।